हाय फ्रेंड्स, मुंह में बैड ब्रेथ यानी कि मुंह से बदबू आना एक बहुत ही बुरा अनुभव है। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है, और हमें कोई सामने से बोल दे कि आपके मुंह में बदबू आ रही है तो हमें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे हेलिटोटिस कहा जाता है। ये एक आम समस्या है जो कि हर 3 में से 1 व्यक्ति को होती है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे मुँह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि टंग के पीछे वाले हिस्से में इकट्ठा हो जाते हैं और गर्मी की वजह से फिर बदबू पैदा करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार बैड ब्रेथ किसी न किसी बीमारी का इंडिकेशन भी हो सकती है। अगर आपके मुंह में फ्रूटी जैसी कोई मीठी स्मेल आए तो ये हो सकता है आपको डायबिटीज़ का खतरा हो या फिर डायबिटीज़ हो आपको। अगर अमोनिया जैसी तीखी सी गंध आए तो आपका यूरिक एसिड भी बड़ा हो सकता है या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके गम्स में कोई प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग वगैरह है, कोई जख्म है या जिंक की कमी है आपकी बॉडी में तो भी मुंह से बैड ब्रेथ आती है। इसके लिए हमें जिंक वाला फूड लेना चाहिए और अपने गम्स का इलाज करवाना चाहिए। कई बार अधिक मसालेदार फूड या कच्चा प्याज लहसुन भी बदबू का कारण बन सकते हैं। कोशिश करें प्याज और लहसुन दिन के टाइम कम ही खाएं या रात को खाएं। अगर खाना पड़ भी जाए तो उसके बाद फिर ब्रश कर लें। कई बार हमारा स्टमक अपसेट है या हमें कॉन्स्टिपेशन है तो भी हमें मुंह से बदबू आ सकती है। इसके लिए अपने पेट को साफ रखें ताकि कॉन्स्टिपेशन को ना होने दें। अक्सर देखा गया है कि काफ़ी देर तक भूखा रहने से भी मुंह में बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसके लिए हमें एक्यूरेट टाइम पर खाना खाना चाहिए और ज़्यादा समय तक भूखे नहीं रहना चाहिए। अगर आप पानी कम पीते हैं, मुंह में ड्राइनेस रहती है, सलाइवा कम बनता है मुंह के अंदर तो भी बैड ब्रेथ का एक कारण हो सकता है। आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और च्युइंगम खाने से भी मुंह के अंदर सलाइवा बनता है और ड्राइनेस ख़त्म होती है। ग्रीन टी पीने से भी मुंह की बदबू कम होती है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल कॉम्पोनेंट होते हैं जिससे मुंह की दुर्गंध दूर होती है। और फ्रेंड्स, अनार के छिलके में भी बहुत अच्छी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके लिए अनार के छिलकों को अच्छे से बॉयल करें। 2-3 बॉयल्स आने पर इसको फिर ठंडा करके इसके गागल्स करें। सौंफ, पिपरमिंट, इलायची, मुलैठी, भुना जीरा, धनिया, ये सब नेचुरल माउथ फ्रेशनर है। खाना खाने के बाद इनको अच्छे से चबाने से भी मुंह की बैड ब्रेथ जो है काफ़ी हद तक कम हो सकती है। आप इनका मिक्स करके पाउडर भी बना सकते हो। मुंह में 1 या 2 लौंग रखने से भी मुंह की बैड ब्रेथ जो है वो दूर होती है। दालचीनी का पाउडर और धनिया पाउडर, ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इससे भी मुंह के अंदर की बैड ब्रेथ जो है यानी कि दुर्गंध जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। ग्वावा लीव्स यानी अमरूद की पत्तियाँ भी बहुत ही कारगर हैं मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए। इसके लिए 2 से 3 पत्तियाँ या तो खाली पेट चबाएं या फिर शाम के टाइम चबाएं, मुंह की दुर्गंध दूर होगी। कई बार कोल्ड कफ होने पर या बुखार होने पर भी मुंह में बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसके लिए तुलसी के पत्ते बहुत ही कारगर हैं। इसके लिए 2 से 3 तुलसी के पत्ते मुंह में रखकर चबाएं या फिर अपनी चाय में डालकर लें। गाइस, ब्रश 2 टाइम अच्छे से करें। अगर आपके दांतों में कैपिंग लगी हुई है तो कई बार कैपिंग के छोटे छिद्रों में खाना फंस जाता है। इसके लिए अच्छे से ब्रश करें ताकि फंसे हुए खाने की वजह से मुंह में बदबू ना आए। और अगर आपके टंग के ऊपर वाइट सी वो परत जमी हुई है तो आप अपने टंग क्लीनर से अच्छे से टंग साफ करें। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें। कई बार लगातार मुंह के अंदर दुर्गंध आने से आने वाली किसी बीमारी का इंडिकेशन भी हो सकता है। अगर काफ़ी देर तक आपके मुंह से बदबू नहीं जाए तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।